प्रदेश सरकार द्वारा ईद के पर्व पर पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति खुले में नमाज अदा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव रामडा में सैकड़ों व्यक्तियों द्वारा खुले में नमाज पढ़ी गई है, जिसको लेकर पुलिस ने लगभग 1500 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए कैराना कोतवाली प्रभारी श्यामवीर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नमाज के संबंध में जो है बहुत स्पष्ट इस संबंध में निर्देश थे कि सड़क पर या जो है सार्वजनिक स्थान पर जो है कोई नहीं बैठेंगे। तो इस संबंध में जो है नमाज सकुशल संपन्न होने के उपरांत जब यह तथ्य प्रकाश में आए कि कुछ व्यक्ति जो है वो सड़क पर बैठे थे कैराना ईदगाह के आसपास, तो उसी संबंध में जो है तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।